चाउमीन भी पैक कर लिया घर के लिए। लाल लाल चूड़िया पहन ली है, वो हाथ दिखा। इतने मस्त वाले सूट आ रहे थे ना, जंतर वाली माला चूज कर रही है। भैया की दुकान में जरूर आते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोपहर के 2 बजे से। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। तो आज हम दोपहर के 2 बजे जा रहे हैं अपने छोटे से मार्केट कटपुला छिना में। तो मेरे साथ है हमारी बुआ जी और हमारी जेठानी जी और आगे से एक और है, आ रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे सामान कॉस्मेटिक का होता है, साग सब्जी वगैरह जो भी हम लोगों को लाना होता है। तो हम लोग टाइम निकाल के एक दिन चले जाते हैं अपने लोकल मार्केट पे। तो आज हम यहीं पे जा रहे हैं अपने कटपुला छिना में। तो अभी हम लोगों को गाड़ी नहीं मिल रखी है। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते करते यहाँ पे गाड़ी भी मिल गई है, अपने लोकल मार्केट में पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे ये वाले भैया के शोरूम में। तो यहाँ से कपड़े चूज कर रहे हैं मेरे जेठानी जी। तो हम लोग जब भी यहाँ पे अपने लोकल मार्केट में आते हैं यहाँ की दुकान में जरूर आते हैं। इतने मस्त वाले सूट आ रखे ना, क्या ही बताओ। तो इनकी रेट है 800, 850, 700 से स्टार्ट है। ये स्टॉल थोड़ी वुलन है, इनमें जैसे रुएं आते हैं, थोड़ा सा गर्म रहता है, नहीं आया वैसे बढ़िया हुए, नहीं तो हल्का रुआ जरूर आता है क्योंकि गर्म गर्म कपड़े है ना पहाड़ों के, विंटर के हिसाब से ये है। पूरे सॉल में आप ये देख हुआ है, देख सही है ऐसे पूरे इसके आएंगे, ये रहेगा। थोड़ा तो रूम आ लेना, गरम में चलना पहाड़ा हिसाब है। वो तो पहली तुम लियो पर हजार तुम तो। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से एक स्वेटर भी ले ली है। इतने सारे स्वेटर हैं एक चूज की, तो यही पसंद आई यहाँ पे हमारे जो साथ में आ रखे हैं दीदी जी के। अभी हम लोगों ने हल्की फुल्की सी शॉपिंग कर ली है। मैं गई थी एक सिलाई वाली दीदी की वहाँ पे मैंने एक कुर्ती दबानी थी, तो कुर्ती भी दबा ली है। तो बाकी जने ना वो उधर है वहाँ से कॉस्मेटिक का सामान ले रहे हैं। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं आप सभी को। आगे से हमारी एक दीदी भी है, वो जा रहे हैं। अभी भी शॉपिंग की सबके सब कर ली है यहाँ पे हमारी दीदी जी। अब जूते ले रहे हैं और यहाँ पे बुआ जी बैठ गई है। बुआ जी ने भी लाल लाल चूड़िया पहन ली है, वो हाथ दिखा। तो बुआ ने ये वाली चूड़ियाँ पहनी बगल की कॉस्मेटिक की दुकान से। तो ये वाली जो दीदी है इनकी दुकान में आ रखे हैं और ये भैया यहाँ पे चाउमीन मोमो वगैरह भी बनाते हैं। चलो अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ से जंतर वाली माला चूज कर रहे हैं। अभी जाते जाते हम लोग यहाँ पे ये वाले रेस्टोरेंट में आ गए हैं। ये छोटी सी मार्केट में ये रेस्टोरेंट है, हम जब भी यहाँ पे आते हैं इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। तो यहाँ पे ना हाफ चाउमीन खा के जाएंगे सभी लोग मिलजुल। से हम लोगों ने चाउमीन भी पैक कर लिया घर के लिए। अब हम लोगों की घर को जाने की तैयारी हो गई है और अब गाड़ी का इंतजार भी करना है। देर भी हो गई है, धूप अच्छी तरह से चली गई है और हमारी दीदी जी यहाँ पे पैसे ही गिनने में है। बहुत सारी शॉपिंग की आज उन्होंने भी, और बुआ लोग जो है ना बहुत ही आगे चले गए पैदल पैदल। तो चलिए दोस्तों आज के इस छोटे मोटे ब्लॉग को यहीं पे एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।